पानी छोड़ना पड़ रहा है, अगर गायों की व्यवस्था न होने के कारण किसान परेशान है। अगर आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो गाय और किसान का मुद्दा कैसे हल करेंगे? देखिए, हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपने गौशालय बना लेना और गौशालय में सुचारू व्यवस्थाएं देना। आप ही लोग मीडिया के बंधु दिखाते रहते हो, भैया कभी कभी मैं देखता हूँ कि हमारी गाय माता, अक्सर करके मैं देखता हूँ, कई वीडियोस भी देखा करता हूँ, तो मुझे भी अफसोस होता है। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम इंसानों का भी मान होना चाहिए और जो हमारे जो पूजनीय हैं, जो आपके गाय माता हैं या अन्य भी कोई हमारा पशु है, तो हम उसकी भी रक्षा के लिए कोशिश करेंगे कि उसके अच्छी व्यवस्थाएं दी जाएं। अगर गौशाला बनी है तो सिर्फ कागज पर नहीं बनेगी, सिर्फ बाउंड्री और तार लगा के नहीं, अगर गौशाला बननी है तो उसका सही पैमाने पर काम होना चाहिए। और किसान हमारे पूरी रात परेशान है, किसान पूरी रात बेचारा डंडा लेके परेशान घूम रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका भी जो है निराकरण हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय में अवश्य निकालेंगे। आप सबसे राय लेंगे और तमाम कमेटी बनाकर जो जरूरत पड़ेगी उसको किया जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है सभी लोगों के लिए शर्म का है कि बांगरमऊ और आसपास के लोग कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, लुधियाना जाते हैं, जहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के किनारे हम लोग रह रहे हैं, कानपुर लखनऊ के बीच में, फिर भी कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको पता है कि ये जो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, इसका मकसद ही यही था कि आपके सिर्फ जो है यातायात का तो ये साधन था ही, साथ में जो डिजाइन किया गया था, जो सोच थी कि इसके किनारे किनारे किसान मंडियां बनेंगी, इसके किनारे औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, इसके किनारे फिल्म सिटी बननी थी बांगरमऊ में। तो आपको पता है कि अगर ये चीजें यहाँ हो गई होती, समाजवादी सरकार रही होती, तो आपको पता है कितने हजारों हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाता। तो ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपके मुंह का निवाला छीनने वाली सरकार है, ये तो गरीब को और गरीब करने वाली सरकार है, ये पूंजीपतियों को और ज्यादा पूंजीपति बनाने वाली सरकार है। इसलिए सब लोग साफ हो चुका है, फर्क साफ है, समाजवादी सरकार 351 से ज्यादा सीटों से जीत कर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होने वाला है। इन तमाम आम आवाम के जरिए, जनता के जरिए सब खदेड़ने जा रहे हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। हर गांव में ये भगाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उठाई हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। सर, लास्ट सवाल है कि आप क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? और सर, जैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है कोई मतलब जय श्री राम ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं, समाजवादी सरकार 351 से ज्यादा सीटों से जीत कर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होने वाला है। इन तमाम आम आवाम के जरिए, जनता के जरिए सब खदेड़ने जा रहे हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं। हर गांव में ये भगाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, उठाई हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। सर, लास्ट सवाल है कि आप क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? और सर, जैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है कोई मतलब जय श्री राम ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कोई संदेश? देखिए, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान में ये निहित है कि आप अपने अनुसार जो आप किसी भी धर्म पर चलकर आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, सभी को बराबरी की छूट है, सभी को अपनी मर्जी है। ये कितना अच्छा खूबसूरत देश है। अगर जो कोई कहना चाहे, आप अगर कहना चाहे अल्लाह अकबर, आप भी पंडित जी कह सकते हैं, और मैं अगर जय श्री राम कहना चाहूं तो इसका मुझे छूट देता है संविधान, कोई भी कह सकता है, यहाँ मना कहाँ। हमारा संविधान तो बहुत खूबसूरत है, हमारा देश तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लोग बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। और हम इस तरह की राजनीति नहीं, हम तो आपके तमाम लोगों को एक साथ जोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे लिए तो सभी परिवार हैं। सर, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जो लोग असंतोष हैं, क्या आप उन लोगों को बना पाएंगे? देखिए, ये आप मीडिया का काम ही यही है, आप एक ऐसी चीज बताएंगे कहाँ से आपको असंतोष दिख रहा है। सबके सब समाजवादी पार्टी एक बड़ा परिवार है, आपको देखना चाहिए, समाजवादी पार्टी इतना बड़ा परिवार है और इतनी ज्यादा आशा, सबको आशा है कि समाजवादी सरकार बम्पर